बोला ना तुम्ही सुनते गाड़ी में बैठे थे हमारे हंगामा किया आपका ऐसा कहना है आदित्य अगर आप नहीं देंगे सफाई तो क्या आदित्य पब में मारपीट की है पूरा मामला क्या है क्या हुआ था एक्चुअली जूतारा रोड पे अटल सी प्रिंसेस में ट्रायोलॉजी नाम का पब है उसमें आदित्य पंचोली जी 12:30 बजे के करीब आए थे उनके साथ में उसके कुछ दोस्त लोग थे उधर हिंदी ट्रैक चालू था वो इंग्लिश ट्रैक चालू था वो हिंदी ट्रैक के लिए रिक्वेस्ट कर ये कर रहे थे बोल रहे थे तो डीजे ने उसको रिफ्यूज़ किया था कि वो हिंदी गाना लगाने के लिए रिफ्यूज़ करने की वजह से उन्होंने जो बाउंसर थे उनके साथ में गाली गलौच और ये करना शुरू किया तो उसको बाउंसर जो एक मंदार ये है पाटोले करके वो पब से बाहर लेके जा रहे थे तभी उन्होंने उसको धक्का बुके करके उनका मोबाइल हैंडसेट उसके सर पे मार दिया ऐसा कंप्लेंट है लेकिन उस मारपीट में कंप्लेंट करने ब्लीडिंग हाँ तो उसके सर पे हैंडसेट मोबाइल हैंडसेट मारने से वो उसको इंजरी हुई थी तो उन्होंने कुपर हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करके हमारे पास आए थे मीनवाइल हम लोगों को कंट्रोल से कॉल था तो हमने आदित्य पंचोली को काबू में लेके भाभा हॉस्पिटल में अल्कोहल के लिए सर्टिफाई किया है और वो मंदार पाटोले का FIR लेके हमने अंडर सेक्शन 324 323 और 506 IPC के अंदर गुना दाखिल किया शराब के जो है नशे में बुरी तरह से थे बताया जा रहा है नहीं उनको हमने सर्टिफाई किया है मतलब भाभा हॉस्पिटल में अल्कोहल इंटेक के लिए सर्टिफाई किया है कंज्यूम अल्कोहल करके उन्होंने किया है आदित्य पंचोली दिया जा सकता है क्या कुछ देर बाद जो है आदित्य पंचोली को बेल दे दिया जाएगा आपकी नहीं 324 में यूजुअली पॉलिटिशियन के लेवल पे बेल नहीं देते हैं वो हम मेरे सुपीरियर से बात करके लेकिन दिया तो जा सकता है क्योंकि जो धाराएं लगाई गई उसको पुलिस स्टेशन लेवल पे बेल दिया जा सकता है अवेलेबल ऑप्शंस है यहां पर बेल मिल सकता है कोर्ट जाना पड़ेगा कोर्ट से हमारा नहीं अरे कुछ नहीं यार भाई एक मिनिट आम्ही सगळे घाबरलो कारण काय झालं आम्हाला खरंच काय कळत ना आम्हाला जाऊन दाखवत का आप डर किस चीज पर हैं भाई साहब हम लोग नहीं डर रहे हैं हम लोग नहीं डर रहे